मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरे चाहने वालों की तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवारों को, आप सभी के चाहने वालों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्रियो, जो वर्ष बीत गया वो बीत गया। अब आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आपका बीता हुआ वर्ष कैसा रहा। किसी का बहुत अच्छा रहा होगा तो किसी का बहुत दुखद। कई लोगों ने तो इस वर्ष में अपने प्रिय लोगों को खो दिया। मेरे प्रियो, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम पर कि हम जीवित हैं और इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने दिल के जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करके इस नए वर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने प्रियजनों से मिलें और उन्हें नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दें। मेरे प्रियो, इस वक्त का इंतजार ना करें कि पहले कोई आकर आपसे माफी मांगे तो हम उसे माफ कर देंगे। नहीं, आप खुद उसे माफ कर दें, वो आपके पास आए या ना आए। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल जो पवित्र ग्रंथ है उसमें लिखा है, मत्ती की किताब 6 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम क्षमा करेंगे तो हमें क्षमा मिलेगी। क्योंकि मेरे प्रियो, आपने सुना होगा, जैसा बोगे वैसा ही काटने पाओगे। इसलिए इस नए वर्ष में हमें एक दूसरे को माफ करते हुए खुशी से आगे बढ़ना है और इस नए वर्ष में सही राह को चुनकर सही मंजिल को प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, इस बात का निर्णय हम सभी को लेना है कि हम सही राह चुनेंगे, सही मंजिल को प्राप्त करेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यदि आपको किसी भी ग्रंथ की कोई खास बात पता है या इससे रिलेटेड कोई बात आपको पता है या आप जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरे चाहने वालों की तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवारों को, आप सभी के चाहने वालों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे।